तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से साथ में कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। आप सभी की डिमांड के ऊपर में जो भी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सभी की डिमांड थी कि ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया जाए। तो फोटोनिक्स ऐप के ऊपर हमने पूरा कोर्स जो है पीजीटी फिजिक्स का वो लॉन्च कर दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम, चाहे अपने एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप DSSSB की पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर KVS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी के या फिर आप उत्तराखंड के एग्जाम की बात कर रहे हैं, या HP TET के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर भी आपको ओवरऑल फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो पूरा कोर्स हमारी फोटोनिक्स ऐप के ऊपर में हमने लॉन्च कर दिया है। आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन जो होती है, अपडेट्स आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। अब बात करें इस पीजीटी फिजिक्स के कोर्स के अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। देखो, वैसे तो आप लोग देखेंगे कि जो आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं और जब आप अपने एग्जाम के अंदर में जाते हैं तो मैक्सिममली आप अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में प्रॉब्लम फेस करते हैं। रीजन बिंग कि आपको ये नहीं पता होता कि किस लेवल से आपको अप्रोच करनी चाहिए उन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर ऐप के ऊपर में उस पूरे जितना भी मटेरियल आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है उसको तीन तरीके से हमने पूरा मटेरियल तैयार किया है। सबसे पहले हमने उसकी थ्योरी को लिया है, जितना भी उसके अंदर में न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं थ्योरी बेस्ड, वो पूरा कंप्लीट जीरो टू बेसिक लेवल तक, जीरो टू एडवांस लेवल तक मैंने कवर किया है। फिर दूसरी बात करें तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, क्योंकि हमारा मेन अप्रोच न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है और आप लोग का सबसे वीक पॉइंट यहीं पर रह जाता है। रीजन बीइंग कि जो थ्योरी पोर्शन है, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को डील करना चाहिए, कहाँ से हमारे पास में डेरिवेशन आते हैं और कहाँ से जो फॉर्मूला हमें इंप्लीमेंट करना है उसके पीछे क्या थ्योरी रही है, वो चीज़ें अच्छे से नहीं पता होता। तो ये चीज़ भी मैंने इसके अंदर में कवर की है। न्यूमेरिकल को हमने तीन हिस्सों के अंदर में डिवाइड किया है। शुरू में हम इसके बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं, आपको फेमिलियर करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ में कि कैसे आपको अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमने कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं इसके अंदर में। चाहे तो आप जो डेमो लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे है। एक प्रॉपर हमने सीरीज बनाई हुई है डेमो लेक्चर्स के लिए, आप वहां से भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमने इसके अंदर में एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी यूज किए हुए हैं और ये एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ वहां से उठाए हैं, कुछ उनके लेवल को देखते हुए हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं। तो आप ये माने कि कंप्लीट आपको ये पैकेज जो है इसके अंदर में, जिसमें बेसिक, मीडियम और एडवांस, ये पूरा का पूरा इस पीजीटी फिजिक्स के कोर्स के अंदर में अवेलेबल होगा। तो आप जाकर उस ऐप से इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से इस कोर्स को जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर बाय कर सकते हो। डेमो देखना चाहता है तो ऐप के ऊपर में भी डेमोज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जो लिंक आपको नीचे मिला हुआ है इस वीडियो के, वहाँ से भी आप डेमो लेक्चर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। अच्छा जी, अब इसमें हम कवर क्या करवाते हैं पूरे पीजीटी फिजिक्स के अंदर में, तो जितना भी मैंने अभी तक आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस किया है, उसके बेसिस के ऊपर में हमने देखा है कि आपका 85% जो है सिलेबस वो आपका 11th और 12th से पूछा जाता है, 11th और 12th से, और जो बच गया 15% जो सिलेबस होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर और फिर आपका पीजी लेवल पर पूछा जाता है। तो हमारा जो इनिशियली फोकस रहता है आपके 85% की तरफ में रहता है, तो 85% हम पूरा इसके अंदर में कवर करवाते हैं और उसमें भी पूरी अप्रोच यही रहती है कि सबसे पहले थ्योरी करवाई जाए, फिर न्यूमेरिकल्स करवाए जाएं और फिर उनके बेसिक टू एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स को कवर करवाए जाए। और ये जो बच गया हमारे पास में 15% है, ये हमें सारा नहीं पढ़ना होता इसके अंदर में, इसके लिए हमें प्रीवियस पेपर जो होते हैं उनको एनालिसिस करना होता है। जो प्रीवियस पेपर हैं उनको आप देखिए और जो भी उसके अंदर में मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो हमारी अप्रोच भी वही रहती है कि आपका जो प्रीवियस पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम या ज़्यादा से ज़्यादा डील करें, उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा डील करें, क्योंकि मेन अप्रोच अगर आप अपने 85% के अंदर में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो 50% जो आपका रह रहा है इसके अंदर में आप थोड़ी सी भी अगर अच्छे से प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके उनकी थ्योरी के साथ में, उनके न्यूमेरिकल्स के साथ में डील कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। अब मान लेते किसी के एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के आते हैं, हो सकता है किसी के अंदर में 100 मार्क्स के आते हो, ठीक है, टोटल जो हमारे पास में क्वेश्चन हैं, तो जरूरी नहीं है हमें 60 मार्क्स ही उसके अंदर में गेन करने हैं। भाई 60 मार्क्स आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना कर लो अपने सिलेबस के अंदर में, यानी कि टेक्निकली आप उसके अंदर में करना चाहें तो कंप्लीटली 60 मार्क्स के लिए आप कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते, हमें सेफ एंड चलना होता है। तो आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि अगर 60 का पेपर है तो एटलीस्ट 50 to 55 मार्क्स आपको इसके अंदर में गेन करने की
कोशिश करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आपका 100 है तो आपकी अप्रोच 90-95 इसके अंदर में हो, या फिर 85 तक भी हम इसके अंदर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल होता है ना, एग्जामिनर अपने क्वेश्चंस को तीन लेवल पर डिजाइन करता है। पहला जो उसका लेवल होता है वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जो कि आप नॉर्मली हर बंदा उसके अंदर में कर पाए, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को नॉर्मल बिल्कुल बेसिक लेवल के मिलेंगे, कुछ आपको एडवांस लेवल मीडियम लेवल के मिलेंगे और कुछ आपको एडवांस लेवल के मिलेंगे। तो मैंने बताया ना कि जो कंप्लीट कोर्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, तो एडवांस के लिए भी आप बेफिक्र रहिए। जो बच जाता है हमारे पास में 10-15% आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन, यानी कि जो जनरल स्टूडेंट उसको हार्ड क्वेश्चन बोल देते हैं, वो आप यहां पर कवर कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब बात करें कि इसके अंदर में हमारा पैकेज के अंदर में और क्या क्या हमने दिया हुआ है। तो आप चाहें तो वहां पर जो आपका पेपर वन के अंदर में चीजें आती हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जीएस का पोर्शन भी आप लोगों से पूछा जाता है, जीएस एंड जीके का पोर्शन, वो भी हमने अलग से एक उसका कोर्स लॉन्च किया हुआ है। साथ ही इसके जो आपके रीजनिंग का है, या फिर आप कहें कि आपके एप्टीट्यूड का है, या फिर इंग्लिश, ये सारी चीजें हमने अपने ऐप के ऊपर में कोर्सेज में अवेलेबल करवाई हुई है। तो ये हमारा पूरा कोर्स है, इसमें टोटल में जितना भी आपके यूनिट्स आती हैं, लगभग जो कोर्स है उसके अंदर में आप लोग देखेंगे तो हमें टोटल कवर करनी पड़ती है, लगभग 28-29 यूनिट्स हैं जो हमें कवर करनी होती है। एज ऑन डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग हमारा 80-85% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप उसको ऐप के ऊपर में भी देख सकते हैं, कुछ डेमो लेक्चर्स और उनके साथ साथ में मैंने पीडीएफ मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि जो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई गई है उसका आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा एज स्टडी मटेरियल। साथ ही आपको इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो भी मिलती है, जो आपको पढ़ाया गया है उसके क्लास नोट्स भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलेंगे वहां पर, मैंने डेमो के अंदर में भी वो डाले हुए हैं ऐप के ऊपर में, आप उसको देख लें। क्लास नोट्स के साथ साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है डीपीपीज। अभी डीपीपी होती क्या है, आप बहुत से लोगों ने तो नाम याद सुना होगा इसका, ये होते हैं हमारे पास में डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो ये आपको मिलते हैं वहां पर, अपनी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें कितनी आपकी ग्रिप बन गई है। साथ ही हम एक सीपीसीटी रखते हैं। अभी सीपीसीटी क्या होता है भाई, सीपीसीटी होता है कंप्लीट चैप्टर टेस्ट, यानी कि आप अपना कंप्लीट चैप्टर करने के बाद में कि आपको उसके ऊपर में पकड़ बनी है या नहीं बनी है, तो आप कंप्लीट चैप्टर का भी टेस्ट उसके अंदर में देख सकते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, और साथ में आपको क्विज वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स जितना भी आपको बताया गया है ये आपके हर एग्जाम के लिए, जहां पर भी आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसमें चाहे एसटेट हो, चाहे आपका DSSSB हो, चाहे KBS हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, हर जगह पे ये कोर्स आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों से सीख भी सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं अपने बारे में एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और पिछले 12-13 साल हो गए मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हुए, और जो आपके रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आपका कोटा के अंदर में रहा हो रेजोनेंस इंस्टीट्यूट रहा हो, एलन इंस्टीट्यूट रहा हो, या फिर दिल्ली के अंदर में जो आकाश इंस्टीट्यूट है, यहाँ से मैंने अपनी जो टीचिंग है यहाँ पर मैंने की है, तो 12-13 साल हो गए इसी के अंदर में, इसी फील्ड के अंदर में। तो अभी कोशिश है, बहुत से IIT JEE के बच्चों को भी हमने प्रिपेयर किया है और वहाँ से सिलेक्शन भी उनको दिलवाया है। तो अब यही हमारी अप्रोच रहेगी कि आप जो भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं अपने PGT फिजिक्स को लेके, आप अच्छे से इन एग्जाम को क्रैक कर पाएं। ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है। और जो भी भाई ज्वाइन करना चाहता है वो ऐप को डाउनलोड कर ले, डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पर हमने अवेलेबल करवाए हुए हैं, और फोटोनिक्स चैनल पर भी जाकर आप पूरे जो अभी तक वीडियोस बने हुए हैं उनको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कोर्स के अंदर में, थैंक यू।